हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श और आज हम बात करने वाले हैं कि टिकटॉक जो है वो अमेरिका में अनबैन हो चुका है, तो क्या है इंडिया में अनबैन होगा, इसी बार आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया में 59 चाइनीज सबसे बैन हो गए थे, उसमें टिकटॉक का नाम सबसे आगे था। तो टिकटॉक पूरी तरह से इंडिया में बैन हो चुका था। उसके बाद में फिर अमेरिका में भी बहुत दिन से हो रहा था कि बैन होगा। उन्हें 45 डेज़ की मोहलत दी गई थी कि इतने दिन बाद हो सके तो टिकटॉक बैन हो जाएगा, क्योंकि जो टिकटॉक है वो पूरी तरह से चाइनीज़ कंपनी से बीट डांस है, उसका वो टिकटॉक है। तो बात की जाए कि ये अनबैन कैसे हुआ, तो ऐसे कि आपको बताइए कि टिकटॉक को ख़रीदने के पीछे बहुत लोग लगे थे। माइक्रोसॉफ्ट लगा था, फिर ओरेकल लगा था, बहुत सारे लोग मतलब चाहते थे कि हम टिकटॉक को मतलब ऐसे कि अमेरिका की तरफ से एक्वायर कर लें या फिर यूज करें, जिससे हमारे नाम से टिकटॉक वहाँ पर रन करें। क्यों पूरी तरह से तो टिकटॉक को एक्वायर करना इम्पॉसिबल है, समझ के चलिए आप। बड़ी मुश्किल से कोई होगा तो बड़ी मुश्किल से उसे खरीद पाएगा, क्योंकि वो छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। मैंने आपको बताया भी है इसके बारे में। तो बात कीजिए अमेरिका में अनबैन कैसे हो गया। तो जो जैसे कि टिकटॉक के पीछे बहुत लोग डील कर रहे थे कि मुझे खरीदना है, तो भी ओरेकल ने उसे क्रैक कर लिया है। टिकटॉक के जो मालिक बीट डांस है, उन्होंने फाइनली ओरेकल कंपनी के साथ में डील कर लिया। तो ओरेकल जो है बहुत बड़ी कंपनी है, और इसमें जो है जैसे कि जावा लैंग्वेज या जो क्लाउड स्टोरेज होती है, जो इंटरनेट के जो स्टोरेज होती है, वो पूरी तरह से उनका बहुत बड़ा नाम चलता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब का नाम चलता है, वैसे ही ओरेकल जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है। और उन्होंने जैसे कि आपको बताए सब एक बार में तो अक्वायर करना इम्पॉसिबल था, तो उन्होंने जो अमेरिका होता है, अमेरिका के जो सारे डेटा होंगे, कुछ भी होगा प्राइवेसी से रिलेटेड जितने भी होंगे, वो सारे जो हायर होंगे वो एक्को जो एरेकर के द्वारा किया जाएगा। यानी अगर कुछ भी हुआ टिकटॉक के मामले तो एक्वायर को आगे कर दिया जाएगा और एक्वायर की तरफ से सारे काम किए जाएंगे। जो सारा डेटा रहेगा, सारा तामझाम रहेगा, जो सारा सब कुछ काम रहेगा, ओरेकल के द्वारा किया जाएगा। और ओरेकल जो है वो पूरी दुनिया में है, यानी वर्ल्ड वाइड, ऐसे कि मैंने बताया आपको माइक्रोसॉफ्ट जितना ये भी फेमस है। तो अमेरिका में तो फाइनली हो चुका है कि अभी अनबैन है, इसके ऊपर कोई भी बैन नहीं लगा हुआ है। हो सके तो अब इंडिया में भी हो सकता है अनबैन, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हो गया तो आगे अगर कोई अपडेट होगा मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और कैसे करना, चलो पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए, सिर्फ एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।